तो अब रनिंग शुरू करेंगे अपनी, 4 किलोमीटर की रनिंग करेंगे। तो इस दिन का मॉर्निंग का वर्कआउट सेशन ख़त्म हुआ, रनिंग के साथ शुरू किया था और रनिंग के साथ में ख़त्म कर देंगे। तो प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं। एंड ऑफ द सेशन, पहली डाइट लेने के बाद मनु जा रहा जॉब पर। तो अभी अपना जॉब का टाइम हो गया है। आज हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, पानीपत जाना है हमें। मैं पानीपत जाऊँगा, अभी बस में जाऊँगा। मोनू को हमने अड्डे पे छोड़ दिया है, मोनू जाएगा सोनीपत। तो ठीक है मोनू, बाय ब्रो, मिलते हैं शाम को। तो मोनू अपना वर्कआउट शाम को वहीं पे कंप्लीट कर लेगा कहीं पे, और तुम जा। पूरा दिन बीतने के बाद ये वक्त शाम का जब मुझे कवि को लेने बस स्टैंड जाना है। तो हम बिना देरी किए यहाँ से चल पड़े थे, क्योंकि शाम का वर्कआउट भी करना था। तो फाइनली कभी पी के आराम को मिल चुका है। ये देखो, ये हाय ब्रो, हाय ब्रो, आई एम सो हैप्पी विद यू।
देख ये टाइम मिला था क्या तेरे को? अभी देखो 7:30 हो गए पूरे और अभी हम ढूंढेंगे कोई पार्क जहाँ पे हमें शाम का वर्कआउट ख़त्म करना है। वो भी मोनू लेट हो गया है, 9-10 बजे आएगा, तो वो अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेगा कहीं पार्क भी, उसने बोला था हमें। तो ये है बस स्टैंड आसी का, ये देख लो। तो गाइस ये बस स्टैंड है आसी का और मुझे इसी तक हंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। तो 8:12 हो गई है, अभी टाइम हो गया हमारे दूसरे वर्कआउट का, क्योंकि यार लेट तो पहले ही बहुत हो चुके हैं और मोनू का फ़ोन आया था, मोनू ने वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लिया तो हम रह गए। तो गाइस पार्क का माहौल तो प्रैक्टिस के लिए अच्छी जगह ढूंढेंगे पहले। हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस करने तो हमें मिल गया, ये प्यारी सी चीज़ ये देखो। तो प्रैक्टिस के लिए अच्छी जगह हमें मिल गई है, अब यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेरे साथ में है ये। आज का वर्कआउट सेशन कभी पीकर के साथ में था जो लगभग अभी ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट वर्कआउट कंप्लीट हो गया, आज के दिन का सेकंड वर्कआउट कंप्लीट हो गया, बने रही है। और इसी के साथ में एक और दिन पूरा हुआ और एंड ऑफ द डे हमने सीखा कि उनका साथ कभी मत छोड़ो,
जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स के लिए अवेयर करते रहते हैं।